जिन भाइयों को डेयरी फार्म व्यवसाय चालू करना है उनके लिए भी ये मेला मंडी बहुत ही अच्छा है। आप दिलदार नगर के मेला मंडी में जब भी आप आएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से भी भैंसे आप लोग को खरीदने या देखने को मिल जाएगी। अगर आप खरीदार व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए काफ़ी हाईवी वेट वाली बुफैलो है, बहुत ही भारी भरकम वजन है इस भैंस का। जिनकी भैंस है वो खुद ही भैंस घुमा रहे हैं, देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र यादव इनका पूरा नाम है। बड़ी और भारी भरकम भैंस बेचने में ये माहिर हैं। दिलदार नगर की मंडी में इनका पूरा पूरा नाम चलता है बड़ी भैंसों के बेचने के लिए। बाधिए तो रुकिए रुकिए, एक सेकंड के लिए आप खड़ी हो जाइए। तो ये कौन सा बयान की होगी? दूसरे बयान में। और बच्चा इसके नीचे दूध कितना करेगी ये भैंस? 22 लीटर है मौके पे। 22 लीटर दूध है मौके पे। जब चैलेंजी है, जब मन कर तब दुहवा लीजिए, कोई भाई हो, जब मर्जी तब दुहवा लीजिए, दुहवा लीजिए, दोनों तब दुहवा लीजिए। तो दिलदार नगर के मेला मंडी में इस भैंस का कीमत कितना रखे हैं? 4.5 लाख तो मांग रहे हैं भैया। मांग रहे हैं जी, कहाँ तक होगा वो भी बताइए। ऊपर वाले जितने पर लिखा होगा उतने पर जाएगी, ऊपर वाले जितने पर लिखा होगा उतने पर जाएगी लक्ष्मी। हम भी रकम लगा कर किने हैं, बल लगा कर। किसान तो 5 लाख बोल रहा इस भैंस का जी। अच्छा जी, हम तो कम ना किसान से मांग रहे हैं अपने। एक बार एक चक्कर और घुमा दीजिए। ये भैंस काफी बड़ी है और भारी भरकम है। इधर ही ले आइए देवेंद्र चचा, एक राउंड इधर कीजिए थोड़ा सा। इस भैंस के जोड़ में कोई और दूसरी भैंस नहीं है आज के इस मेला मंडी में। हाँ हाँ हो गया, बस बांध दीजिए। लगाओ ना भैया, बच्चा ठीक है, बच्चा बस।
दस किलो पानी लेकर दूध बाय इकसठ पैंसठ चला तो बतावा के तुम 61,000 दे थे 65,000 का ये बात तो तू लास्ट बता दे ना लास्ट हो गई भाई सीमा पार हो गई तुम्हारी इच्छा आप ज्यादा दूर नहीं जाइएगा हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और थकावट के वजह से हमें यहाँ पे बैठकर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है माफ़ कीजिएगा पूरे मैं 4 घंटे से इस मेला मंडी में दौड़ रहा हूँ बांधिए यहीं पे ये जो भैंस आप लोग देख रहे हैं ये बिहार के महेंद्र भैया की है इधर देखिए महेंद्र भैया यही चेहरा है इनकी भैंस है तो बताइए आप अपनी भैंस के बारे में बच्चा तो हमें यहाँ पर दिख रहा है बच्चा पढ़िया है कितने रोज की है 10 रोज की पड़िया है इनको बोलिए ना इधर होने को हर जा और कौन से बयान की होगी वो भी बताइएगा सही बताइएगा दूसरा दूसरे बयान में है दूसरे बयान और दूध कितना कर रही है ये भैंस दूध 6 किलो टाइम पर 12 किलो मिल 6 किलो टाइम का ये भैंस दूध कर रही है दूसरे ब्यात में इस भैंस को बताया जा रहा है और दूध आप लोग सुने ही हैं 6 किलो टाइम का और बच्चा इसके नीचे पड़िया है तो ये जो दूसरे ब्यात वाली भैंस है महेंद्र भैया कीमत 80,000 इधर आइए मनमाने कीमत से जानते हैं लोग प्रभावित होते हैं मानते हैं ना महेंद्र भैया हम जानते हैं कि ये जो कीमत आप मांग रहे हैं एक मोटा मोटी ही कीमत मांग रहे हैं फिक्स वाला मांग रहे हैं क्या नहीं फिक्स वाला कहें तो आप बताइए नज़दीकी देने वाला 75,000 में देंगे फिर भी कुछ ज़्यादा है हाँ ज़्यादा है तो कम ना हो और कम करेंगे कीमत जो है 75,000 के आसपास बताया जा रहा है लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सीधा पहुँचेगा तभी जाके कीमत कम होगा तो आप इसे पहली ब्यात में बता रहे हैं दांत दिखाने का कष्ट कीजिए दांत दिखा दा है यार छा दत भी है अरे घाव ना बात नंबर
कितने दांत? कितना? 6 दांत। कुछ बिकी है भैंसे आपकी? नहीं बिकी है। तो दांत में कितना बता रहे हैं भैया? दांत में 6 दांत। और बच्चा इसके नीचे? तो फिर इसका दूध कितना है? दूध 10 किलो। 10 किलो। कीमत 50 है। इधर आइए, इधर आइए। 10 किलो इस भैंस का दूध आप बता रहे हैं और कीमत आप? 75,000 मांगते हैं। 75,000 मांग रहे हैं, देने वाला कहाँ तक होगा वही बता दीजिए। 65,000। 65,000। कैसे बतिया ली? Oh,